अब आपको दिखाते हैं आज की सबसे हैरान करने वाली खबर। अब तक आपने फर्जी अफसर की फर्जी रेट सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मुंबई में एक्साइज डिपार्टमेंट के असली अधिकारियों की फर्जी रेट। ये असली अफसर फर्जी रेट डालने के लिए स्टेशनरी की एक दुकान में घुसे, शराब बेचने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की, लेकिन सीसीटीवी में कैद तस्वीरों से उनकी पोल खुल गई। असली अफसर की फर्जी रेट। मुंबई में एक्साइज डिपार्टमेंट का कारनामा। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें देखिए। ये मुंबई के अंधेरी इलाके में छापेमारी की तस्वीरें हैं। एक स्टेशनरी की दुकान में महाराष्ट्र स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने छापा मारा है। दुकानदार पर शराब बेचने का आरोप है। अब आपको बताते हैं इस रेट की असलियत। 24 जुलाई को दोपहर 1:07:13 पर एक शख्स ये कार्टन लेकर दुकान के गेट पर पहुंचा, कार्टन बाहर ही रख दिया और खुद अंदर चला गया। कुछ कागज फोटोकॉपी कराने के बाद दुकानदार को पैसे देकर मोबाइल फोन पर नंबर देखते देखते वो बाहर निकल गया। दुकान के बाहर वो हाथ में पॉलिथीन लेकर मोबाइल पर बात करता रहा। 1:10:43 पर वो कार्टन लिए बगैर गायब हो गया। थोड़ी देर में एक्साइज डिपार्टमेंट के असली अफसर ने रेड कर दी। उस कार्टन से निकली शराब का आरोप दुकानदार पर लगना शुरू हो गया। शराब की बोतलें निकालकर कैश काउंटर पर रखी जाने लगी। एक ने दुकान का शटर गिरा दिया। इस बीच एक अफसर की नजर सीसीटीवी पर पड़ गई। अपना भांडा फूटते देख अफसर वहां से रफू चक्कर हो गए। बोलता नहीं तुम इसका धंधा करते हो, हमको ये मिला है तुम्हारे पास। बोला साहब एक काम करते, मेरा दुकान में सीसीटीवी फुटेज है वो देखते, कौन बॉक्स रख के जाता है कौन लेके जाता है मालूम पड़ेगा। तो हम लोग ने उनको वो दिखाया, सीसीटीवी फुटेज दिखाया। तो फुटेज दिखाया तो वो लोग एकदम ये हो गए, बोलता बाहर कोई बंदा बॉक्स रख के जा रहा है वो भी दिख रहा है, और फिर उनका ही कोई कस्टमर बॉक्स लेके अंदर आता है खोलता है पूरा क्लियर दिखता है। तो हम लोग को बोलते हैं तुम सीसीटीवी फुटेज था इसके लिए बच गए, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस होता था। मैंने पूरा सबको लेटर भेजा, आर आर पाटिल जी को भेजा है, गणेश न्याय जी को भेजा है, एंटी करप्शन में भेजा है, और हमारा फोर्ट का जो एसोसिएशन है उनको भी भेजा है, सबको एक लेटर भेजा है कि इसके ऊपर कुछ कार्यवाही की जाए। खुलासा हुआ है कि शराब का कार्टन लेकर आया शख्स एक्साइज डिपार्टमेंट का ही अधिकारी था, यानी रेड की पूरी कहानी फर्जी थी। दुकानदार ने इसकी शिकायत राज्य सरकार और बड़े अधिकारियों से की है। इस मामले में एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने प्रवीण पटेल के बयान दर्ज किए, लेकिन विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस पूरे फर्जी छापेमारी के मामले में जब हमने स्टेट एक्साइज कमिश्नर संजय मुखर्जी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ऐसे में जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती उससे पहले ही निष्कर्ष पे पहुंचना गलत होगा। साफ है एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि उसकी साख पर बट्टा लगे। प्रवीण पटेल ने विभाग को सीसीटीवी फुटेज की सीडी सौंप दी है। 24 जुलाई से अब तक डिपार्टमेंट इस फुटेज से अपने अफसरों को नहीं पहचान पाया। आशीष कुमार सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।